नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील के चतुर्भुजपुर के ग्रामीणों ने सीएम से गुहार लगाकर कहा है आखिर वो जाए तो जाए कहां। आपको बताते चले, फूलपुर थाना क्षेत्र के चतुर्भुजपुर के लगभग डेढ़ दर्जन करीब कुनबों को चारागाह में घर बनाने की वजह उन्हें तहसील प्रशासन ने नोटिस थमा दी है और जुर्माना भरने के साथ चारागाह खाली करने के लिए कहा गया है। सवाल यह है, प्रतिदिन कमाने खाने वाले गरीब कुनबे जाए तो जाए कहाँ। पुश्तैनी घर के अलावा इन गरीबों के पास कुछ भी नहीं। गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम हंडिया मुख्यमंत्री से अपील की है पुश्तैनी रूप से रह रहे इन गरीबों के साथ न्याय किया जाए। बस्ती के हीरामणि, श्यामलाल प्रजापति, बाबा दीन राम बाबू, राम सवारे, राजेंद्र, शंकरलाल, ज्ञानचंद आदि डेढ़ दर्जन गरीब कुनबों को नोटिस मिलने पर निराशा व्याप्त है। सोमवार को पीड़ित कुनबे प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। राम प्रसाद यादव, भारत न्यूज टीवी, प्रयागराज। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, हमको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर हमका हिस्सा या जगह या यहीं पर मिलना चाहिए, कहीं अंतर भी नहीं। ये नोटिस किस चीज़ का? ये नोटिस है गिराने के लिए चारागाह। ये जिस जगह घर बना है ये चारागाह है? हाँ, ये चारागाह आज पता चला चारागाह है, लेकिन जब मेरे आजा पर बाजा जब बना रहे थे 14 को तब उस समय नहीं मालूम था चारागाह है क्या है। इस समय यहाँ पे बहुत गड्ढा भी था। हाँ, ये सड़क रोड कुछ भी नहीं निकल रहा था उस समय जब ये आजा पर बाजा थे, तो बना लिए थे, खाली जगह था गाँव के, मतलब कि प्रधान लोग या मुखिया लोग तो बोले बना लो, और आज जब ये हुआ तो इसका चारागाह बोले कि चारागाह है यहाँ पर खाली करो, नोटिस आ। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारा यही मांग है कि हमको यहीं पे रहना है, यहीं पे हमको हक चाहिए, हमारा न्याय दें। उस समय नहीं चारागाह हम लोग का मालूम था, आजा पर बाजा, आज चारागाह बोल रहे हैं। मिनट मिनट दादा, इस चीज़ का नोटिस है क्या है? चारागाह नोटिस मिला हुआ है, आजा बाबा रहते थे या सब लोग किसी चीज बीत रहे सर। हाँ, हम लोग चाहते हैं न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय देना। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र यहाँ तक 80 साल। 80 साल, तो आपको पता नहीं था ये चारागाह है? हमारे आजा बाबा को पता था, हमको कहाँ पता, आप पता लगे सर कि आजा बाबा ने क्या किए हैं। ये आपको कब पता चला कि चारागाह है? एक नोटिस मिले तब, नोटिस मिलने के बाद पता चला। हाँ, एक बना रहा ना कल की, तब पता लगे चारागाह है सर। क्या नाम है? हीरा मणि। ये नोटिस किस चीज़ का है? ये नोटिस यही बताते हैं कि ये चारागाह है, यहाँ खाली करो, मुआवजा साथ में आया है, इसमें मुआवजा भरना पड़ेगा। अब हम लोग कहाँ से मुआवजा भर पाए इसको, और रहने के लिए तो बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। अब आज हम थोड़ी घर बनाए, हमारे बाबा दादा ने बनाए थे। दादी, ये नोटिस किस चीज़ का है? नोटिस है भाई साहब, घर गिराने के लिए। हमारा तीसरा पीढ़ी बीत गया, हमको रहने का, हमने भोजन की नहीं है, कहाँ जाएगी सरकार, भगा रहा है। तो घर क्यों गिराया जा रहा है, नोटिस किस लिए दिया गया है? तो कहते हैं चारागाह है, बाजा पुरखा रहन चौथी पीढ़ी चल रही बात, हम लोग कहा जाने की, कहाँ चारागाह रहा, कहाँ नहीं। यही टंकी बनने लगी साहब, यही से सब कह रहे हैं भागो भागो। कौन कह रहा है भागो भागो? अरे वो तो कोई नहीं कहता है, गांव वाले तो कह रहे हैं, तभी तुम ऐसे नोटिस सरकार। सरकार से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग गरीब है, भोजन कमाई तो दिन भर शाम की भोजन मिलता है, हमें लोग की ही दर रख दीजिए आप लोग सरकार, और क्या कहेगा जी। हमें नहीं मालूम था कि ये कुछ दिन पहले मैं मालूम नहीं था कि ये चारागाह है, हमारे आजा बाबा लोग रहते थे, ये चारागाह है, हमारे आजा बाबा लोग रहते थे इस जगह पे। हाँ, कुछ दिन पहले ये टंकी बनने लगी, यहाँ इस गांव के लोग रोक दिए कि यहाँ टंकी नहीं बनेगी, तब ये कागज़ मिला हमें। कागज़ मिला तो हमें पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है। हाँ, तो नहीं पता था, तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि न्याय चाहते हैं, न्याय हम लोग। अच्छा, आपके आजा बाबा के पास जमीन नहीं थी उनके नाम से? जी नहीं थी, इस गांव के मुखिया ने हम लोगों को बसाया, आज बसाने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से तुम लोग जाओ।